हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट लैब में। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि 2020 वर्ल्ड कप जो कि इस वर्ष होने वाला है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टीम इंडिया का फुल स्क्वाड जो कि 2020 वर्ल्ड कप के लिए जाने वाली है। जी हां दोस्तों, इसी पर आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी खबरें लाते रहते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो यह वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों बात करें टीम इंडिया का फुल स्क्वाड का, तो वह 21 खिलाड़ी को हो सकता है 2020 वर्ल्ड कप के लिए। तो दोस्तों नाम के बात करें तो सबसे पहले नाम निकल कर आता है रोहित शर्मा। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा जो कि एक बेहतरीन बैट्समैन के साथ टीम इंडिया का वाइस कैप्टन भी है। वहीं दोस्तों दूसरी खिलाड़ी की बात करें तो वह है शिखर धवन। जी हां दोस्तों, शिखर धवन एक बेहतरीन बैट्समैन है। वहीं दोस्तों तीसरी खिलाड़ी की बात करें तो वह है विराट कोहली। जी हां दोस्तों, विराट कोहली बेहतरीन बैट्समैन के साथ यह टीम इंडिया के कैप्टन भी है। वहीं दोस्तों चौथी खिलाड़ी की बात करें तो वह है सूर्य कुमार यादव। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव एक बेहतरीन बैट्समैन है। वहीं दोस्तों पांचवी खिलाड़ी की बात करें तो वह है ईशान किशन। जी हां दोस्तों, ईशान किशन एक बेहतरीन बैट्समैन के साथ विकेट कीपर भी है। वहीं दोस्तों छठी खिलाड़ी की बात करें तो वह है संजू सैमसन। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन एक बेहतरीन बैट्समैन के साथ यह भी एक विकेट कीपर है। वहीं दोस्तों सातवीं खिलाड़ी की बात करें तो वह है हार्दिक पांड्या। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। वहीं दोस्तों आठवीं खिलाड़ी की बात करें तो वह है श्रेयस अय्यर। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर एक बेहतरीन बैट्समैन है। वहीं दोस्तों नौवीं खिलाड़ी की बात करें तो वह भुवनेश्वर कुमार। जी हां दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार एक बेहतरीन बॉलर है। वहीं दोस्तों दसवीं खिलाड़ी की बात करें तो वह है टी नटराजन। जी हां दोस्तों, टी नटराजन भी एक बेहतरीन बॉलर है। वहीं दोस्तों ग्यारहवीं खिलाड़ी की बात करें तो वह है जसप्रीत बुमराह। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह एक बेहतरीन फास्ट बॉलर है। वहीं दोस्तों बारहवीं खिलाड़ी की बात करें तो वह है युजवेंद्र चहल। जी हां दोस्तों, युजवेंद्र चहल एक बेहतरीन स्पिनर्स है। वहीं दोस्तों तेरहवीं खिलाड़ी की बात करें तो वह है राहुल चौहर। जी हां दोस्तों, राहुल चौहर एक बेहतरीन स्पिनर है। वहीं दोस्तों चौदहवीं खिलाड़ी की बात करें तो वह है दीपक चौहर। जी हां दोस्तों, दीपक चौहर बेहतरीन मीडियम पेस बॉलर है। वहीं दोस्तों बात करें पंद्रह खिलाड़ी का तो वह है ऋषभ पंत। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत एक बेहतरीन बैट्समैन के साथ विकेट कीपर भी है। वहीं दोस्तों सोलह खिलाड़ी की बात करें तो वह है केएल राहुल। जी हां दोस्तों, केएल राहुल भी एक बेहतरीन बैट्समैन के साथ विकेट कीपर है। वहीं दोस्तों सत्रहवीं खिलाड़ी की बात करें तो वह है मोहम्मद सिराज। जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज एक बेहतरीन फास्ट बॉलर है। वहीं दोस्तों अठारहवीं खिलाड़ी की बात करें तो वह है पृथ्वी शॉ। जी हां दोस्तों, पृथ्वी शॉ एक बेहतरीन बैट्समैन है। वहीं दोस्तों बात करें 19 खिलाड़ी का तो वह शार्दुल ठाकुर। जी हां दोस्तों, शार्दुल ठाकुर एक बेहतरीन बैट्समैन और बॉलर दोनों है, स्पेशलिस्ट या बॉलर ज़्यादा है। वहीं दोस्तों बात करें 20वीं खिलाड़ी के तो वह है वाशिंगटन सुंदर। जी हां दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। वहीं दोस्तों बात करें 21वीं खिलाड़ी के तो वह है रविंद्र जडेजा। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा एक बेहतरीन ऑलराउंडर है भारतीय टीम का। तो दोस्तों यह है कुल 21 खिलाड़ियों का स्क्वाड जो कि 2020 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया जा सकती है लेकर। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन कौन से खिलाड़ी 2020 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में शामिल होंगे और वर्ल्ड कप के लिए खेलने जाएंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों ये खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।